नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेंस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90% ये लोग नहीं जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन बहुत सारे उपचार अगर ऐसे कर लेते हैं, उपाय कर सकते हैं, तो मंगल अगर उसके कुंडली में खराब है तो ठीक हो जाएगा, शनि की स्थिति सही नहीं है तो ठीक हो जाएगा, राहु केतु की स्थिति सही नहीं है तो ठीक हो जाएगा। आज उन सब लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं और उनके घर में सुख समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है। तो ध्यान से सुने ये वीडियो लास्ट तक, ये आपके लिए है और आप इसको कर सकते हैं हनुमान जयंती के दिन। हनुमान जयंती जो मंगलवार को इस बार पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व और कई गुना बढ़ गया है। और यह जो है चैत मास के पूर्णिमा को पड़ता है, इसलिए समझिए कि बहुत ज़्यादा आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब हनुमान जयंती के दिन हनुमान पूजा करके हम दक्षिण दिशा के दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, मंगल जो आपके कुंडली में सही नहीं चल रहा है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और शनि जो आपको परेशान कर रहा है या पश्चिम दिशा में रहने वाले व्यक्ति परेशान हैं तो कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी सारी व्यवस्था को। यह दिन ही शुभ है जो साल में एक बार आता है और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ दिन माना जाता है। ध्यान से समझें, हनुमान जयंती अर्थात हनुमान जी की जयंती होती है और इस दिन हम विधिपूर्वक अगर हनुमान मंदिर में जा करके कुछ पूजन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है, कुछ दान कर देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, और सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है कि अगर कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं तो माने पूरी साल भर, पूरे जीवन भर कई समस्या से आपको मुक्ति मिल सकती है। आता है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ हम करें तो कैसे करें, विधिपूर्वक कैसे करें, इस चीज़ को समझना है। आप समझिए कि आप परेशान चल रहे हैं, आपको कई अवसर आते हैं लेकिन वह आप उसको कैश नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका अग्नि कोण में दोष है, और अग्नि कोण में दोष है अर्थात साउथ की स्थिति, दक्षिण की स्थिति आपके घर में वास्तु दोष युक्त है। तो इसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उस दिन सबसे पहले दक्षिण दिशा में, या यूं कहें कि पूरे घर की सफाई अपने घर को कर लें, पूरा घर नमक से पोछा लगवा दें, कहीं भी धूल का कण नहीं रहे, डस्टिंग रहे, और आप लें गंगा जल और उसमें थोड़ा सा गौमूत्र को डाल करके और हनुमान चालीसा को 11 बार पट करके और उसमें फूंक मार करके पूरे घर में छिड़क दें तो दक्षिणमुखी मकान क्या कई दिशाओं के मकान अर्थात चारों दिशाओं के मकान आपके लिए अच्छा फल देने लगता है। अगर आप परेशान हैं जीवन में किसी प्रकार की किसी भी समस्या से, चाहे मानसिक समस्या से, आर्थिक समस्या से या सामाजिक प्रतिष्ठा से, तो आप इस दिन अपने सभी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में चले जाएं, लाल आसन पर बैठ जाएं और हनुमान जी के सामने ठीक दाएं पैर के पास घी का दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें और 108 बार बिना उठे हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि जैसे 108 बार आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होगा तो आप निश्चित रूप से समझेंगे कि आप अनुभूति करेंगे, ये अनुभूति की चीज़ है कि आपके शरीर में एक स्फूर्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। जैसे हनुमान जी को कहा जाता था ना कि आप हे देव सब शक्ति आपके पास है, फिर भी जो है आप जो है सो अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, उसी तरह
आपके शरीर में भी हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सब चीज हैं। इसको विशेष रूप से अपने पुस्तकों में, अपनी जो है सो खोज में महर्षि महेश योगी जी ने पूरा डिटेल बताया कि हमारे ब्रह्मांड अर्थात इस मस्तिष्क में सारे देवी देवता कैसे वास करते हैं। तो ध्यान से समझें कि जैसे ही ये पाठ पूरा होगा वैसे आप समझिए कि आपके जीवन में चार चांद लगने लगेगा। और उसके बाद अगर आप किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा, यह भी 108 बार आपको करना है। और ये सब चीज जब भी करने लगे तो पहले 108 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके आप मंत्र उच्चारण कर लें, अर्थात जय सीताराम का जाप कर लें, किसी प्रकार का जाप कर लें, क्योंकि प्रभु उनके इष्ट जो है वह श्री राम है। और निश्चित रूप से जब श्री राम को आप मनाएंगे तो वो भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही कहीं बैठे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे प्रभु के भक्त हैं, अर्थात इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अब दान पर आते हैं, क्या दान करें? लाल फल आप दान करें, लाल मिठाई दान करें। लाल फल में क्या होता है? चीकू हो जाता है, या तो आप समझिए कि अभी जो आ रहा है लाल आम, उसको आप कर सकते हैं, या सेब दान कर सकते हैं, अनार दान कर सकते हैं, और लीची दान कर सकते हैं। ये चार पांच फल अगर आप करें तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। लाल वस्त्र कर सकते हैं, रेशमी वस्त्र मंदिर में जा करके दान करें, गरीबों को दान करें, जो ये सारे करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलेगा। और लाल चंदन मंदिर में जा करके आप दान करके आए, और उस मंदिर में अगर आपके चंदन से तिलक किया जाए सालों भर तो काफ़ी अच्छा इसका लाभ मिलेगा। भंडारा में भी कुछ अपना अन्न दान करें, जैसे गुड़ या गेहूं, यह कहीं भी भंडारा चल रहा है वहां दान कर दें। नहीं होता है किसी मंदिर में दे दें, नहीं होता है तो गरीब लोगों को दे दें जो रियल में दुखी है, तो काफ़ी अच्छा इसका लाभ मिलेगा। ध्यान से अगर ये सारी चीज़ कर लेते हैं तो आपको जीवन में कई चमत्कारी लाभ मिलेंगे। और यह साल में एक बार आता है हनुमान जयंती के दिन, जो 23 तारीख को और मंगलवार के दिन पर रहा है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।